बेथनी की मरियम को याद करें, और जब वह बेतनियाह में शमौन कोरी के घर में भोजन करने को बैठा, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर आए, और उसने डिब्बा तोड़कर उसके सिर पर डाल दिया। और कितने लोगों ने अपने मन में क्रोधित होकर पूछा, यह इत्र क्यों व्यर्थ किया गया, क्योंकि इसे 300 पेंस से अधिक में बेचा जाता और गरीबों को दिया जाता, और वे उस पर कुरकुराने लगे। और यीशु ने कहा, उसे रहने दे, तुम उसे क्यों परेशान करते हो? उसने मुझ पर अच्छा काम किया, क्योंकि गरीब तो सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं, और तुम जब चाहो उनकी भलाई कर सकते हो, परंतु तुम सदैव मेरे साथ नहीं रहते। उसने वह किया है जो वह कर सकती थी। वह दफनाने के लिए मेरे शरीर का अभिषेक करने के लिए आगे आई है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, संसार भर में जहाँ कहीं भी यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसकी स्मृति में उसके काम की चर्चा भी की जाएगी। मरकुस 14:3-9। केवल यीशु मसीह ही बचाता है। वह एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपनी प्रजा को उनके पापों से छुड़ाएगा। मत्ती 1:21। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। John 3:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। Yohanna 14:6। किसी दूसरे से उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। अधिनियम 4:12। क्योंकि जो कुछ मुझे भी मिला, वह सब पहले मैंने तुमको बता दिया कि मसीह हमारे पापों के लिए पवित्र शास्त्र के अनुसार कैसे मरा और वह गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन फिर जी उठा। 1 Corinthians 15:3-4। इसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। Ephesians 1:7। सत्य है जिन्हें हमें पूरी तरह से समझना चाहिए। 1. भगवान आपसे बहुत प्यार करता है। वह चाहता है कि आप उसके साथ स्वर्ग में अनंत जीवन पाएं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। John 3:6। वह चाहता है कि आप उसके साथ भरपूर और सार्थक जीवन जिएं। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। Yohanna 10:10। इसके बावजूद बहुत से लोग सार्थक जीवन का अनुभव नहीं करते हैं और निश्चित नहीं है कि क्या उनके पास शाश्वत जीवन है, क्योंकि 2. मनुष्य स्वभावतः पापी है, इसीलिए वह ईश्वर से अलग हो गया है। सभी ने पाप किया है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। Romans 3:23। क्योंकि धन का लोभ सारी बुराई की जड़ है। 1 Timotheus 6:10। पाप का अंत बुरा ही होता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। Romans 6:23। बाइबल 2 प्रकार की मृत्यु बताती है, शारीरिक मृत्यु और जैसा मनुष्यों के लिए ठहराया गया है कि एक बार मरना परंतु उसके बाद न्याय करना।
इब्रानियों 9:27। आध्यात्मिक मृत्यु या नरक में ईश्वर से शाश्वत अलगाव, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और जादूगरों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग आग और गंधक से जलती हुई झील में होगा, जो दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 21:8। यदि मनुष्य अपने पाप के कारण ईश्वर से अलग हो गया है, तो इस समस्या का समाधान क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि समाधान है धर्म, अच्छे कार्य और अच्छे शिष्टाचार, लेकिन भगवान की ओर से केवल एक ही समाधान है। 3. यीशु मसीह ही स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता है। ये ईश्वर की घोषणा है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6। उसने हमारे पापों की पूरी सजा चुकाई, क्योंकि मसीह ने भी एक बार पापों के कारण और धर्मी ने अन्यायियों के लिए दुख उठाया कि वह हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए और शरीर में तो मार डाला जाए, परंतु आत्मा के द्वारा जिलाया जाए। 1 पत्रस 3:18, जिसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इफिसियों 1:7। उसके पास अनंत जीवन का वादा है। जो पुत्र पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाता है, और जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता वह जीवन नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। यूहन्ना 3:36। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। रोमियों 6:23। तार बचाए जाने के लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। हमारा उद्धार यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से ईश्वर की कृपा के कारण है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वह तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है और कामों का नहीं। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इफिसियों 2:8-9। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। रोमियों 10:13। अपी की प्रार्थना। विश्वास के साथ ये प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, मुझसे प्यार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्रूस पर आपकी मृत्यु, दफनाने और मेरे सभी पापों का भुगतान करने के लिए पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद। मैं आप पर अपने भगवान और उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करता हूँ। मैं आपके शाश्वत जीवन का उपहार स्वीकार करता हूँ और अपना जीवन आपको सौंपता हूँ। आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करने और आपकी दृष्टि में प्रसन्न रहने में मेरी सहायता करें। तथास्तु। यदि आपने यीशु मसीह पर भरोसा किया है तो आपके साथ निम्नलिखित घटित हुआ है। अब आपके पास परमेश्वर के साथ अनंत जीवन है। पर मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यूहन्ना 6:40। आपके सभी पापों का भुगतान कर दिया गया है और माफ कर दिया गया है, भूत वर्तमान भविष्य, परंतु यह मनुष्य पापों के बदले सर्वदा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इब्रानियों 10:12। ईश्वर की दृष्टि में एक नई रचना है, यह आपके नए जीवन की शुरुआत है। इसलिए यदि कोई मसीह में है
तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें मिट गई हैं, देखो सब वस्तुएं नई हो गई हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17। आप भगवान के बच्चे बन गए, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का सामर्थ दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:12। 6 कार्य हमारे लिए बचाए जाने का मार्ग नहीं है, बल्कि हमारे उद्धार का प्रमाण या फल है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ठहराया कि हम उन पर चले। इफिसियों 2:10। भगवान आपका भला करे।